हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये सब तो आप भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रथ यात्रा के बारे में। जी हाँ, ये तो बंगालियों के फेस्टिवल के लिए काफ़ी ज़्यादा और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बट इससे भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है जो उड़ीसा में रहने वाले लोग होते हैं। उड़ीसा की पूरी ही जगह नामक एक जगह है जहाँ पे जगन्नाथ जी यानी कि विष्णु का रूप है। तो वो अपने भाई बहन मीन्स सुभद्रा और बलदाव के साथ जो है घूमने निकलते हैं अपनी मासी के घर पे वन वीक के लिए। सो अगर हम रथ यात्रा के बारे में बात करें तो इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में वहाँ के तो घोसा यात्रा भी कहते हैं। ये जो उत्सव है ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल में से एक माना जाता है। और यहाँ पे जो है वन वीक के लिए अपनी मासी के घर पे ही जाती हैं, बट वन वीक के बाद वापस रिवर्स जो है वापस मंदिर में आ जाती हैं। वन वीक तक के बाद घूमना हो जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कल जो है वो रिटर्न आने वाले हैं रिवर्स जो है जगन्नाथ धाम की डिटेल्स। पर ये हमारी डिटेल्स है कि हमने रथ यात्रा के दिन कुछ ऐसे ही मैं तो सिर्फ यहाँ पे फेस्टिवल अटेंड करने गई थी, बट यहाँ पे जो प्रसाद दे रही है ये हमारी भाभी है और ये ब्लू चैन ये तो हमारी ननद जी है, बट उनके बेटे और उन लोग ने सब ने मिल के जो है हर साल एक रथ यात्रा निकालते हैं जो एक घर से दूसरे घर जाती थी। हमने एक घर से निकाला है तो दूसरे घर को हम जा रहे हैं। तो जाते जाते काफ़ी इन्जॉय किया। कुछ जगह पे मैंने म्यूज़िक म्यूट किया है बिकॉज उन्होंने जो स्पीकर में सॉन्ग चलाया था उससे मुझे कॉपीराइट्स आ सकते थे, दैट्स वाई मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है। और आपको कैसे लगे ये कमेंट ज़रूर बताना, और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वैसे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है रथ ऐसे खींची हूँ। सो जब बचपन में तब भी मैंने किया था और ये उसके बाद है। वैसे तो सेकंड डे के लिए कुछ है नहीं, मतलब जो रिवर्स रथ आता है बिकॉज हम लोग ने जो है भाभी लोग ने बोला नहीं निकालने वाले, एक प्रसाद देने वाले। सो इसमें सेकेंड डे का कुछ खास नहीं है और मैं सोचा चलो अभी भी रथ चल रहे तो मैं ये वीडियो एडिट करके डाली दूँ। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश रहे थे कि चलो रथ निकल गया, तुमने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मैं सोचा ठीक है, काम तो है, काम तो होता ही रहेगा, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है उसमें कर देती हूँ। तो अगर एडिट में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है गाइस, आप लोग की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है, बट ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।